गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, आज मैं आपको महान व्यक्तित्व से आदिगुरु शंकराचार्य नामक पाठ का आगे का सारांश बताऊंगी। बच्चों, इससे पहले पहला भाग मैंने कल आपको बताया था, आगे का भाग मैं आज आपको बताऊंगी। सारांश इस प्रकार से है, काशी में स्नान करते जाते हुए उन्हें एक चांडाल मिला। उसकी बातों से इन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। इन्होंने काशी के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में हराकर अपना शिष्य बना लिया। ये बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी पंडित कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने प्रयाग धाम पहुँचे। इसी प्रकार ये अन्य स्थानों पर भी भ्रमण करते रहे। जब इन्हें अपनी माँ की बीमारी का पता चला तो ये तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच गए। माँ ने इन्हें देखकर खुश हुई। माँ की मृत्यु के बाद लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी इन्होंने माँ का अंतिम संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए सारे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने नए मंदिरों का निर्माण कराया और पुराने मंदिरों की मरम्मत कराई। लोगों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने के लिए इन्होंने भारत के चारों कोनों पर चार धामों की स्थापना की। इनके नाम हैं श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी मौजूद हैं। इनकी शिक्षा का सार है, ब्रह्म सत्य है तथा जगत माया है। शंकराचार्य उज्ज्वल चरित्र के सच्चे सन्यासी थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। 32 वर्ष की आयु में इनका देव आसन हो गया। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। धन्यवाद।